नमस्कार, देसी कुकिंग शो में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की चटनी। ये इमली की चटनी जो है हमारे बहुत काम आती है, चाहे हमें भेलपूरी बनाना हो, दही बड़े बनाने हो या चाट बनाना हो, सभी में ये इमली की चटनी इस्तेमाल होती है। एक बार अगर आप इसको बना के रख लेंगे तो आप इसको 2-3 महीने तक फ्रिज में रख के आराम से काम चला सकते हैं। तो चलिए इमली की चटनी बनाना शुरू करते हैं। इमली की चटनी बनाने के लिए मैंने ये इमली ली है, करीब 150 ग्राम इमली है, जिसे पहले गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, फिर उसको हाथ से मैश करके उसको छन्नी से छान के उसका ये पल्प निकाल लिया है। उसके साथ ही ये कुछ मसाले लेने होंगे, जिसमें कि यह है काला नमक, सफ़ेद नमक, यह है भुना जीरा पाउडर और ये साबुत जीरा, लाल मिर्च और ये गर्म मसाला पाउडर, और उसके साथ ही गुड़ है और चीनी है। ये सब चीज़ें लेंगे और इसको फिर गैस पे कढ़ाई चढ़ाएंगे और कढ़ाई चढ़ा के इसको बनाना शुरू करते हैं। ये कढ़ाई चढ़ा के मैं 1 टीस्पून ये तेल डाला इसमें, और इसको जब ये गर्म हो जाएगा फिर इसमें ये साबुत जीरा इसको डाल देंगे। अब इसमें ये डाल देंगे लाल मिर्च, और इसके साथ ही इसको बस चला के तुरंत ही ये इमली का जो पल्प है इसको डाल देंगे इसमें। और इसको अब ये लगातार चलाते रहेंगे। अब ये इसमें बॉयल आने लगा है, ये जो इमली का पल्प हमने इसमें डाला था। अब इसमें कुछ मसाले पिसे हुए जो रखे थे वो डाल देते हैं, जैसे ये गरम मसाला पाउडर, फिर ये भुना जीरा पाउडर, इसके साथ ही ये काला नमक है, काला नमक भी डाल देते हैं, और ये गुड़, गुड़ जो हमने निकाल के रखा हुआ था इसको भी डाल देते हैं। इसके साथ ही ये सफ़ेद नमक जो लिया था आधी चम्मच है डाल देंगे। अब ये चीनी, चीनी पहले थोड़ी कम डालेंगे, फिर जब एक बार ये पक जाएगा उसके बाद थोड़ा सा चेक कर लेंगे मिठास कैसी है, कम अगर लगेगी तो फिर इसमें थोड़ी और डाल देंगे चीनी। अब इसमें ये देखिए पूरे उबल रही है, कम से कम ऐसे पकाते हुए मुझे 5-6 मिनट हो गए हैं, और इसकी कंसिस्टेंसी भी अब एकदम प्रॉपर है। थोड़ी ठंडी होगी तो और गाढ़ी हो जाएगी जब ये ठंडे होने के बाद, इसलिए बस अब इतना ही इसको पकाना है। सब कुछ मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके, सारे फ्लेवर आ चुके हैं चटनी में। अब बस इसको बंद कर देते हैं गैस को और इसको अब निकाल लेते हैं। ये चटनी बनके तैयार हो गई है। आप इसमें खरबूजे के बीज या फिर किशमिश या थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई पसंद नहीं करता इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, सिंपल बनाई है। बस ऊपर से थोड़ा डेकोरेशन के लिए काजू डाल दिए। तो लीजिए, आप सर्व कीजिए।